एक भाभी की पांच घमंडी ननद। निर्मला अपने बेटे अंकित और पांच बेटियां शेफाली, आंचल, राखी, सुषमा, स्वाति के साथ रहती थी और उसकी पांचों बेटियां ही कामचोर थी, पर फैशन रिलेटेड सारी बातों की जानकारी रखती थी, भले ही खाने में नमक स्वादानुसार डाला जाए या ना डाला जाए। ऐसे ही एक सुबह निर्मला उठकर घर का सारा काम कर लेती है, नाश्ता बना देती है और कहती है, अरे मोरी मैया, मेरी तो कमर टूट गई। पांचों लड़कियां शादी लायक हो गई हैं, लेकिन मजाल है अपनी माँ का काम में हाथ बटा दें। गधे घोड़े कुत्ते की तरह बेड पर पसरी होंगी जरूर। पहले अंकित को उसका जिम शेक दिया हूं, वरना चिल्लाएगा। ऐसा कहकर निर्मला अपने बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ वो पुशअप लगाते हुए शादी की बात करता है और निर्मला कहती है, ये तू किस लड़की से शादी करने की बात कर रहा है? कुछ नहीं माँ, अरे अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे शेक ही चाहिए था। अरे माँ। हाँ, इतनी बूढ़ी माँ के पास काम ही क्या है, तुम छे के छे बच्चों के आगे पीछे ही तो घूमती रहूंगी, मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। और ये तेरी पांचों बहनों ने नाक में दम करा रखा है और एक तू है। अरे माँ, आप मुझे क्यों सुना रही हो उनकी बातें, एक लात मार कर जगा दो ना उन्हें। बस मैंने सोच लिया है, अब और काम नहीं कर सकती, तेरी शादी करा दूंगी गुड़वान लड़की देख कर। माँ मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे, उससे पहले मुझे अनीता को मनाना ही होगा। ये कहते ही निर्मला उन पांचों महारानियों के पास पहुंच जाती है और बहुत उठाने पर भी न उठने पर वो उनकी चादरें खींच लेती है। फिर पांचों उठकर एक साथ कहती है, क्या है माँ, आप सोने क्यों नहीं देती हो जैन से? 10 मिनट में तैयार होकर नहीं आई तो उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी। क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो, मैं अभी तैयार होती हूँ। मैं भी। माँ देखना आप, मैं इन चारों से पहले तैयार हो जाऊंगी। तभी झट से पांचों तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाती हैं और कहती हैं, कान खोल कर पांचों की पांचों सुन लो, कल लड़की वाले आ रहे हैं तुम्हारे भाई को देखने, तो इस घर को चमका देना। पांचों मिलकर सफाई, खाना, चद्दर, पर्दे बदल देना, बाहर गार्डन ठीक कर देना। माँ ये तो बहुत सारा काम है। तुम पांचों मिलकर कर लेना। जल्दी से भाभी आ जाए इस घर में, मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, मैं तो हिलूंगी भी नहीं। अरे वाह मेरी नकारा निकम्मी काम चोर आलसी बेटियां, भाभी के आने की खुशी भी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा घर का, पर ये मत भूलो कि एक दिन तुम्हें भी ससुराल जाना होगा। माँ हम शादी नहीं करेंगे, और कर भी ली तो वहाँ नौकरानी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये बात सुनते ही निर्मला को अपनी नकचड़ी बेटियों का एहसास हो जाता है कि वो अपनी होने वाली भाभी को कितना तंग करेंगी। ऐसे ही अगले दिन पांच बहनें मिलकर घर का सारा काम कर लेती हैं, पर काम चोरी करके। पर्दे अलग अलग रंग के टंगे थे, खाना भी किसी में नमक मसाले कम तो किसी में ज्यादा, तो घर की साफ सफाई भी आधी थी। ये देखकर निर्मला अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, गलती हो गई जो मैंने तुमसे बोला काम चोर कहीं की। ये कहते ही निर्मला सारा काम अच्छे से संजो देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका भाई शादी के जोड़े में अपनी पसंद की एक दुल्हन लाया है। हे राम, माँ जल्दी आइए, लड़की वाले क्या लड़की बहू बनकर आ गई, देखिए भैया ने शादी कर ली। तभी शेफाली की आवाज सुन पांचों बाहर आकर अंकित को दूल्हा बने देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं और निर्मला अपनी छाती पीट कर कहती है, हे भगवान ये तूने क्या मुझे दिन दिखा दिया, अंकित बेटा तूने क्या किया, मतलब मैंने कल जो सुना था वो सच, तू किसी लड़की से शादी करने की बात कर रहा था, तुझे अपनी माँ की पसंद का तो ख्याल रखता। हाँ हाँ मैं कल अनीता के बारे में ही बात कर रहा था, और आप मेरी शादी कराए इससे पहले मैंने ही कर ली, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ, घर का बहुत अच्छे से ये ख्याल रखेगी। अंकित ये पांचों तुम्हारी बहनें हैं? हाँ अनीता। हे भगवान मेरी पांच पांच नंद है, पता नहीं मेरा क्या होगा। हाँ तो भाभी आपको खा थोड़ी रहे हैं जो इतना डरा हुआ फेस बना रही हो। अरे बस बस रुको बहू, मैं तुम्हारी आरती उतारू। तभी निर्मला आरती के थाल लाकर अपनी बहू की आरती उतारती है और गृह प्रवेश करती है। 2 दिन आराम से कटते हैं। तीसरे दिन जब राखी उसे लिपस्टिक लगाते हुए देखती है तो चुरा कर लिपस्टिक लगाकर आईने में देख कर कहती है, अरे वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तभी लिपस्टिक लगाकर भाभी के सामने जाती है तो अनीता कहती है,
अरे ये तो मेरी लिपस्टिक शेड है। नंद जी तुमने मुझसे बिना पूछे ये क्यों लगाई? आपको लगाते हुए देखा और मन किया तो लगा लिया, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हैं आप? क्योंकि तुमने बिना पूछे सामान लिया। कितनी घमंडी है, इसकी बातों से मुझे इस वाली नंद का तो पता चल गया, पता नहीं बाकी की चारों कैसी होंगी। अरे भाभी जरा मुझे आलू के पराठे बनाकर कमरे में ला दो, मैं आ नहीं पाऊंगी। आई नंद जी, महारानी है क्या कहीं की जो कमरे में ला कर दूं? तभी अनीता उसको आलू के पराठे बनाकर देती है और घर का सारा काम खत्म करके बेड पर बैठती है। बहुत थक गई, अब आराम करूंगी थोड़ी देर। तभी स्वाति सुषमा आकर कहती हैं, भाभी मुझे फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है, जरा मेरी ये ड्रेस अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और भाभी मेरे सारे कपड़े गंदे हैं तो इन्हें भी धो दीजिए। भाभी इनका काम छोड़िए, मेरे पेट में दर्द है, पहले खिचड़ी बनाकर दीजिए। नहीं भाभी पहले मेरा काम करो। नहीं पहले मेरा। अरे बस करो, दो हाथ है मेरे, टाइम लगेगा काम करने में। ये सब होता हुआ निर्मला देखकर कहती है, अरे वो कोई मशीन नहीं है जिसके 10 हाथ हो और तुम्हारा काम चुटकियों में कर दे। थोड़ा तरस खाओ अपनी भाभी पर, इतनी बड़ी ऊटनी हो गई हो, खुद से काम नहीं होता क्या? अरे जब भाभी आ गई हैं तो हम क्यों काम करें? अरे क्या भैया से शादी करके तो यही आई हैं, तो घर के काम कौन करेगा ये सारे? वैसे भी मैंने तो नील एक्सटेंशन करवाया है, मैं तो किसी काम को हाथ नहीं लगा सकती, और मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती। नास पीटी कहें कि बेटियों अपनी भाभी पर बोझ नहीं, काम में हाथ बटाने वाली बनो। पांचों घमंडी, ना सॉरी बोलना था ना काम में हाथ बटाना, सिर्फ घर में ऑर्डर देती रहेंगी कमरे में बैठकर। कोई बात नहीं माँ जी, कर देती हूँ मैं। तभी अनीता एक एक करके तीनों का काम कर देती है। ये तो बस शुरुआत थी। वक्त गुजरता है और पांचों नंद उस पर हावी हो जाती है। कभी उसे कोई आवाज लगाता है तो कभी कोई बेचारी भाभी को तंग करता है। उन्होंने उसकी रेल बना रखी थी, एक पल की फुर्सत नहीं लेने देती थी उसको, और घमंडी इतनी थी कि कोई काम खराब करके उसकी माफी मांगना या बताना भी मुनासिब नहीं समझती थी। एक दिन अनीता को ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना नहीं आ रहा था, तो उसने शेफाली की मदद मांग ली और ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद शेफाली कहती है, भाभी आप कितने भी पढ़े लिखे हो लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना तो अभी तक नहीं आता, एक ऑनलाइन चीज ऑर्डर कर नहीं पाई, देखा तुम चारों ने। भाभी थैंक यू बोलना नहीं आता क्या? अब जब तुम मुझे नहीं बोलोगी, हंसती रहोगी, तो मैं कहाँ से बोलूं? मुझे घमंड नहीं है, मेरी चीज है बिना पूछे तुम यूज करती हो, तुमने कभी थैंक यू तक नहीं बोला, पूछना तो दूर की बात। सभी पांचों नंदे हंसने लग गईं और ये होता हुआ देख निर्मला उन पांचों बेटियों को बहुत डांटती है, जिससे वो अपने कमरे में चली जाती हैं और कहती हैं, ये पांचों ऐसे नहीं सुधरेंगी जब तक इनकी शादी ना करा दूं, घर के काम करेंगी तब अपनी भाभी की बात समझ पाएंगी। तभी निर्मला अपनी बहू बेटे से नंदू की शादी की बात करती है, जहां अंकित अपनी 5 बहनों के लिए होनहार लड़का ढूंढ लेता है। कुछ ही दिनों में पांचों की एक साथ शादी हो जाती है। विदा होने के बाद पांचों को अपने ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। पांचों एक साथ 1 महीने बाद अपनी माँ से मिलने आती हैं तो आंखों में आंसू लिए गले लगकर कहती हैं, माँ भाभी आप हमें माफ कर दो, हमसे बहुत सारी गलती हुई है। अब पता चला ससुराल में कितना काम करना पड़ता है। हाँ भाभी हम आपको कितना परेशान करती थी। मेरी नंद तो बिल्कुल मेरे जैसी है, बिना पूछे चीजें लेती है। भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमें अकल आ गई है, हमारा घमंड टूट चुका है। अरे अरे मेरी प्यारी नंदो, आपको पछतावा हो रहा है, यही काफी है। चलिए मैंने आप पांचों के लिए फेवरेट डिश बनाई है। चलो आखिरकार मेरी पांचों बेटी लाइन पर आ गईं। इस तरह पांचों ननद अपनी भाभी की काम में मदद और तारीफ करती। पूरे परिवार का पेट पालने वाले पंकज पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। बच्चे राजू और मीनू का स्कूल का खर्चा, घर के राशन पानी और माँ सरला की दवाई का खर्चा, ये सब पंकज अपनी छोटी मोटी किसानी करके बाजार में सब्जियां बेचकर पूरी करता था। बहुत कम गुजारा होता था, सिर्फ 2 वक्त की ही रोटी का इंतजाम हो पाता था। दरअसल अपना कोई खेत जमीन न होने पर पंकज की पत्नी हेमा ने घर के आंगन में ही टमाटर, धनिया, पुदीना, आलू, करेले की खेती कर रखी थी, जिसे पंकज बेचने जाता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो, धनिया 5 रुपए की गड्डी, टमाटर, पुदीना, आलू ले लो ले लो ले लो। आई आई ताजी ताजी हरी सब्जियाँ लीजिए, रसीली टमाटर लीजिए, देसी टमाटर लीजिए। सुनो भाई साहब, टमाटर तो बड़े लाल लाल हैं, जरा 1 किलो कर देना। मुझे आधा किलो करेले तोल दीजिए।
मीनू बेटा आधा किलो करेला तोल देना, मैं टमाटर तोलता हूँ। इस तरह उसकी थोड़ी बहुत सब्जी मंडी में बिक जाया करती थी। सब्जी बेचने के बाद वो अपनी बेटी के साथ अब घर लौटता है। हेमा उसे पानी पिलाकर कहती है, अच्छा क्या हिसाब बना आज आपका? अरे जो रोज होता है वही सब बनेगा ना। मैं कौन सी अपने खेत की सब्जियां उठाकर 10-15 किलो बेचने जाता हूँ, 4-5 किलो होती हैं वही बेचता हूँ। माँ मैंने मंडी में देखा है, और भी तो लोग ज्यादा ज्यादा सब्जी बेचते हैं, आलू टमाटर प्याज भिंडी, हम क्यों थोड़ा थोड़ा बेचते हैं? अब तुझे क्या बताऊँ बेटा, अजी आप ऐसी कब तक थोड़ी बहुत सब्जी बेचकर 200-300 रुपए लाएंगे? इसमें तो न माजी की दवाइयाँ आ सकती है, न बच्चों की स्कूल की फीस जा सकती है, घर का राशन भी तो देखना है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि खुद की जमीन लेकर उस पर खेती बाड़ी कर सकें। 4 दिन बाजार जाते हो जिससे खर्चा भी 4-5 दिन ही चलता है, फिर 15 दिन सब्जी उगाने में चले जाते हैं। बहू ठीक कहती है बेटा। अरे तो मैं क्या करूं, जितना होता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। मम्मी पापा आप चिंता मत करो, एक दिन हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा घर भी बन जाएगा और हम पर अपना खेत भी होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आंगन में सास बहू मिलकर छोटे छोटे पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी। मीनू और राजू अपने पेड़ों को देखकर कहते हैं, माँ देखो जब हम पैदा होने वाले थे तो पापा ने इस पेड़ को उगाया था, जब से कुछ नहीं होगा, पर जब हम खेलने लग गए तो देखो अब ये कितना बड़ा हो गया और इस पर छोटे छोटे कच्चे आम भी आ गए हैं। 2-3 महीने में ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो पापा आम को बेचकर पैसे ला सकते हैं। हाँ माँ फिर हम भी मजे से आम खाएंगे। सोच तो यही रही हूँ, 2-4 महीने बाद ये आम ठीक से उग जाएंगे, कम से कम इनका अचार बना लूंगी और आम पक जाएंगे तो ये भी मंडी में बेच देंगे, हमें इसे अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। बहू अचार से याद आया, तुझे मिर्च का अचार बनाना आता था ना, फिर मिर्च उगाई तूने? नहीं माँ जी अभी उगाना है मुझे, घर का काम बर्तन कपड़े धोना इन सब से फुर्सत नहीं मिलती जो मिर्च के बीज बो दूं, क्योंकि इनके पापा को भी मिर्च का अचार बहुत पसंद है और बाजार में कोई अचार बेचता नहीं है तो अच्छी कमाई हो जाएगी। मम्मी चिंता मत करो, हमने मिर्च के बीज बो दिए हैं, थोड़ी टाइम बाद मिर्च का पौधा उग जाएगा, फिर आप मिर्च तोड़ कर अचार बनाना। हाँ ठीक है, पर तुमने कहाँ बो दिया? माँ हम दोनों ने मिलकर ना इस आम के पेड़ के पास ही बो दिया। कैसे बच्चे हो, आम के पेड़ के पास क्यों किया, यहीं पर कहीं कर लेती। खैर छोड़ो कोई बात नहीं। थोड़ा समय बीतता है, पंकज एक हफ्ते में आंगन की सारी सब्जियां 2-4 दिनों में बेच देता है जिससे वो थोड़ा बहुत राशन ले आता है, पर अपनी माँ की दवाई नहीं ला पाता। वो कहती है, अरे बेटा तुझे पता है मुझसे कोई काम नहीं होता, घुटन में बहुत दर्द होता है तो दवाई क्यों नहीं ला रहा, खरीद के 20-25 रुपए की आती है। माँ क्या बताऊँ, मेरी ऐसी हालत हो गई है ना कि मैं आपकी दवाई ला पाया न बच्चों की फीस। आपने फीस नहीं दी बच्चों की? मैडम बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की कह रही थी, वो तो मैंने ही 2 दिन की मोहलत मांगी थी उनसे। तुम चिंता मत करो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। वो सभी बात कर रहे थे कि दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर हेमा कहती है, क्या हुआ बच्चों तुम स्कूल से वापस कैसे आ गए, अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं स्कूल भेजे हुए तुम्हें। माँ हमारी कॉपी भर गई थी और राजू ने काम नहीं किया और फीस भी जमा नहीं हुई, इसीलिए प्रिंसिपल मैम ने हम दोनों को स्कूल से निकाल दिया, उन्हें पता है अभी कोई सा भी खर्चा हम नहीं कर सकते। हाँ माँ पापा दादी इसलिए प्रीति मैम बोली घर पर बैठो। देखा हमारी गरीबी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हमारी तरह ठोकर खाएं अपनी जिंदगी में। हेमा की बात पंकज को परेशान कर देती है। अब उनके घर की परिस्थितियाँ पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, घर में एक रात उन्हें भूखा सोना पड़ता है। वहीं पेड़ के कच्चे आम देखकर सरला कहती है, चिंता मत करो बच्चों हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे, बहू इस कच्चे आम का अचार बना लेते हैं, बाकी आम कुछ दिनों में पक जाएंगे तो पंकज उन्हें बेच देगा, हमारी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ माँ जी कल हम उनसे आम तोड़वा लेंगे, अभी शाम हो चली है।
उनकी ये बात दो चोर सुन लेते हैं और रातों रात सारे आम के पेड़ से कच्चे आम ले जाते हैं। अगले दिन उन्हें अपने आम के पेड़ पर एक आम भी नहीं दिखता, जिससे पूरा परिवार और परेशान हो जाता है। हे भगवान, किसकी नजर लग गई हमें। लुट गए हम, बर्बाद हो गए। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? मेरा एकमात्र सहारा भी खत्म हो गया, पता नहीं किसने आम चुरा लिए। अब क्या होगा राजू, मम्मी पापा तो बहुत परेशान हो गए। तभी सरला बहू बच्चों को घर में ले जाती है, पर घर के खर्चे के बारे में सोच सोच कर पंकज आम के पेड़ के पास बैठकर बहुत रोता है। उसके रोते हुए आंसू उस जमीन में गिरते हैं, जिससे अचानक से उस पेड़ पर एक रोशनी चमकती है और उन सोने की मिर्चियां लटक जाती हैं। और जादुई पेड़ कहता है, पंकज और कितना रोओगे? क्या मैं टमाटर और आम का जादुई पेड़ भी लगा दूं यहाँ पर? जरा यहाँ देखो। तभी आवाज सुनकर पंकज पेड़ की ओर देखता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पेड़ बोल कैसे सकता है और उस पर सोने की मिर्ची कैसे हो सकती है? मैं बताता हूँ, तुम्हारे बच्चों ने इतनी मेहनत से यहाँ मिर्च का पौधा उगाया और तुम इतना रो रहे थे कि तुम्हारे आंसू मेरे पेड़ की जड़ में चले गए और मैं जादू से सोने की मिर्च का पेड़ बन गया। अब तुम जितना मर्जी चाहे इन सोने की मिर्ची को लेकर सुनार पर बेचो और इससे अपने घर की सारी स्थिति ठीक कर लो, बच्चों को स्कूल भी भेजो और घर भी बनवा लो। क्या क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सोने की मिर्ची पे। तभी पंकज सोने की मिर्ची को तोड़कर अपने घर में सबको दिखाता है। अरे ये सोने की मिर्च यहाँ कैसे आई? लॉटरी लग गई क्या? अरे यही समझ लो, अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तभी पंकज उसे जादुई सोने की मिर्च पेड़ के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो उन सोने की मिर्चों को सुनार पर बेचकर घर में खाने के लिए ढेर सारा राशन और माँ की दवाई ले आता है। अगले दिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाता है, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे पढ़ने जाते हैं। मम्मी पापा थैंक यू, अब हम बड़े वाले स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, आपकी वजह से ही हो पाया है ये सब। देखना हम दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, पंकज जी मैं सोने की मिर्ची तोड़ लेती हूँ ताकि आप नया खेत ले लो और वहाँ पर काम कर लो। वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम मेहनत भी साथ में ही करेंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो। ये कहकर हेमा जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़कर एक जमीन ले लेती है, जिसमें अच्छे खाद डालकर वो सब्जियां उगाते हैं और अपने लिए अच्छा खासा नया घर बनाते हैं। साथ ही उन सोने की मिर्ची को बेचकर वो गरीब लोगों की रोज मंदिर जाकर मदद भी करते हैं, उन्हें खाना भी बांटते हैं, जिससे उनकी सुख समृद्धि और दुगनी हो जाती है। चलो बेटा, एक भूखी बुढ़िया को खाना खिलाकर तुमने बहुत उपकार किया है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अरे माताजी, आप तो मेरी माँ समान हैं, ऐसा मत कहिए। इस तरह वो अपनी जादुई सोने की मिर्ची से सबका भला करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही किसी को इनके इस राज के बारे में पता नहीं चलता।